Hello friends, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In this video we will start exercise number 2.1. तो देखो students, last video में हमने क्या किया था? Last video हमने पढ़ा था कि real numbers क्या होते हैं, ठीक है? Real numbers के अंदर मैंने बात आपके पास क्या की थी? एक तो मैंने बात की थी rational number की और एक मैंने बात क्या की थी? Irrational numbers की, ठीक है? मैंने rational numbers आपको मैंने बताया था कौन से numbers होते हैं जो p upon q की form में लिख सकते हैं, p upon q की form में लिख सकते हैं और q की value है वो zero नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा 2 upon 3, 4 upon 3, 8 upon 9, 11 upon 2, देखो p upon q की form में लिख सकते हैं ना इनको, तो ये हमारे पास कौन से होंगे? रेशनल नंबर। और यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। जैसे आपने कहा सर 8 upon 4, हाँ ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे इसको कैंसिल कर दिया तो क्या बन गया? 2 बन गया ना, 2। अब इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, जिसके अपॉन में कुछ भी नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है? 1। तो मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी क्या आ गए हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ गए, वो सारे भी क्या हो गए? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की हमने बात की थी जिसका रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिसका रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। और क्या बात की थी हमने? कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। इसके अंदर क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इतनी बात समझ में आई। फिर हमने बात की थी यूक्लिडियन डिवीजन लीमा। यूक्लिडियन डिवीजन लीमा क्या बोलती है? a is equals to bq upon r if a is divisible by b। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर आ रहा है 1, मतलब 5 को मैं लिख सकता हूं 2 multiply 2 plus remainder की वैल्यू 1। ये बताया था ना मैंने a is equals to bq plus r where r is greater than equal 0 and less than b। इतनी हमने बात की थी। और हमने बात की थी कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं यूक्लिडियन डिवीजन लीमा से। तो आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। देखो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q+1। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि आपको प्रूफ करना है, शो करना है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, ये जो लाइन है उसको केयरफुली रीड करोगे। बोल क्या रहा है आपके पास? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोल रहे हैं, ठीक है? अब देखो हमारे माइंड में क्या चलता है, हमारे माइंड में चलनी चाहिए यूक्लिडियन डिवीजन लीमा। अब यूक्लिडियन डिवीजन लीमा क्या होती है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होती है ना, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो और देखो b की वैल्यू क्या है। सर b की वैल्यू तो 4 है, देखो b की वैल्यू जो q के साथ में होगा वही तो b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू 4 है। अगर b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सर तो बाय जो यूक्लिडियन लीमा जो है उससे हमारे पास r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी, बट b से क्या आती है? लेस आती है ना। तो यहां पर देखो b की वैल्यू 4 है, हमें सारे क्वेश्चंस में क्या देखनी है? b की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो r की वैल्यू क्या होगी? कि सर r की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर देन बट 4 से क्या होगी? लेस देन। मतलब r की वैल्यू क्या आ सकती है? जो r की वैल्यू हो सकती है, r में भी क्या हो सकता है? r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 एंड 3। क्या 4 हो सकती है? क्या नहीं सर, 4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि r की वैल्यू 0 से बड़ी है और b से लेस है, b से छोटी है ना, तो b की वैल्यू कितनी है? 4। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पहले क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आओ इसके ऊपर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो चलो पहले अपने स्क्वायर करते हैं, किसका? 10 का स्क्वायर करते हैं। सर 0 का स्क्वायर करेंगे तो, सॉरी 0 तो क्या है? ऑड नहीं है ना, 0 तो क्या नहीं है? ऑड नहीं है ना। हमें क्या देखना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर किसका करना है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर का। तो इसमें से पहले ऑड देखो कौन कौन से हैं। सर 1 भी ऑड और 3 भी ऑड है, तो सबसे पहले हमने ऑड इंटीजर ले लिए। अब ऑड इंटीजर लेने के बाद उसका क्या करना है? पहले ऑड इंटीजर लिए, अब उसका क्या करना है? स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर। तो पहले 1 देखो, एक तो हमारे पास क्या आ गया? 1, तो 1 का स्क्वायर 1। क्या देखो 0, 1, 2, 3, 4 के बीच में आ रहा है। क्या r की वैल्यू 0 से 4 के बीच में आ रही है? हाँ सर 0 से 4 के बीच में आ रही है। उसके बाद सेकंड जो ऑड इंटीजर, देखो 2 तो ऑड नहीं है, फिर 3 को ऑड लिया और 3 का स्क्वायर किया हमने किया तो कितना आया? 9। क्या 9 0 से लेकर 4 के बीच में आ रहा है? क्या नहीं सर, ये 0 के बीच में नहीं आ रहा।
तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो हमारे पास कितना क्या होता है, A is equals to BQ plus R ही तो होता है, A is equals to B, B की वैल्यू कितनी है 4Q plus R की वैल्यू कितनी आई 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, जैसे एक क्वेश्चन और देखो इसका, यूक्लिडियन डिवीजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर इसने ना तो हमारे पास क्या बोला है ऑड है और ना ही क्या बोला है इवन है, और क्वेश्चन वो क्या बोल रहे किसकी फॉर्म में होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे पास 9Q, 9Q plus 1 और 9Q plus 8 की फॉर्म में होना चाहिए। चलो मुझे आप बताओ यहां पर बी की वैल्यू क्या दिख रही है, हमको पता है ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, A is equals to BQ plus R, लीमा मेथड से, तो देखो B की वैल्यू देखो, जो Q के साथ में ना सर वो B होता है, तो B की 9, 9, 9, मतलब here B is equals to क्या आ गया 9, B is equals to क्या आ गया 9, और R की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 या 0 से बड़ी, बट B से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए ना, R की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 या 0 से तो greater than, but less than कितना होना चाहिए B होना चाहिए, और B की वैल्यू कितनी है 9, तो R की वैल्यू क्या हो सकती है, R may be R is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब आते हैं according to question. Main जो काम है वो यहां करेंगे. According to question. Question में क्या बोल रहे हैं? Cube of any positive integer. तो positive integer देखो पहले तो क्या है? Positive integer सर इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे पॉजिटिव ही है, बट करना क्या है हमें उसका क्यूब करना है, तो सबसे पहले 0 का क्यूब किया तो वो कितना आ रहा है 0, मतलब R is equals to 0 आ सकता है हमारे पास, क्यों, क्योंकि वो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। अब उसका पॉजिटिव इंटीजर 1, तो 1 का क्यूब किया, 1 का क्यूब कितना आ रहा है 1, तो क्या 1 भी इसमें आ रहा है, हाँ सर 1 भी इसमें आ रहा है, तो R की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो गया 1 भी हो गया। अब 2 देखो, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, क्या 8 इसमें आ रहा है, हाँ सर 8 भी देखो 0 से लेकर 8 देखो ये रहा 8 भी आ रहा है, तो R की वैल्यू 8 भी हो सकती है, ठीक है। फिर मैंने 2 के बाद 3 लिया, 3 का क्यूब कितना आया 27, देखो इससे बाहर चला गया, R की वैल्यू 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए ना, R की वैल्यू 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए, मतलब 8 हो सकता है, अब 3 का क्यूब किया 27, मतलब R की वैल्यू 27 तो नहीं हो सकती, मतलब वैल्यूज जो आएगी हमारे पास कहां तक आएगी R की वैल्यू, तो R की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 0, 1 एंड 8, तो क्या लिखोगे A is equals to BQ plus R, तो A is equals to कितना रहेगा, पहले R की वैल्यू 0, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 9, तो क्या करोगे 9Q plus पहले 0 पुट किया, फिर क्या करोगे A is equals to 9Q, अब 1 पुट करोगे, फिर क्या करोगे A is equals to 9Q, अब कितना पुट करोगे 8 पुट करोगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये लाइन को ध्यान में रखो, स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो दोबारा देखो क्या बोल रहा है, शो दैट स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, स्क्वेयर करना है किसका, क्या करना है स्क्वेयर किसका करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का करना है, किसका करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर का, और हमारे पास वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए 4q plus 1 की फॉर्म में होना चाहिए, किसकी फॉर्म में होना चाहिए 4q plus 1 की फॉर्म में। अब ध्यान से देखो यहां पे 4q plus 1 को देखा जाए तो यूक्लिडियन डिवीजन लीमा क्या बोलती है, a is equals to bq plus r, तो b की वैल्यू कितनी है सर, b की वैल्यू है 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, चलो तो अगर b की वैल्यू 4 आई है तो r की वैल्यू हमको पता है 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और लेस देन किससे होनी चाहिए b से, मतलब r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन 4, मतलब r की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू जो r की है वो कौन-कौन सी है सर, 0 1 2 3 ठीक है 0 1 2 3। अब क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर किसका, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का, अब इसमें ऑड नंबर देखो कौन-कौन से हैं,
ओड नंबर सर इसमें वन है और थ्री है, वन का स्क्वायर किया सर वन, क्या इस रीजन में आ रहा है? हाँ सर, जीरो से थ्री के बीच में आ रहा है, मतलब वन हो गया। अब देखो ओड डिजिट कौन सी है, सर इसमें ओड डिजिट है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर किया नाइन, क्या नाइन इसमें आ रहा है? क्या सर नाइन तो आगे चला गया, तो ये नाइन जो आर की वैल्यू है वो नाइन नहीं हो सकती, तो कितनी होगी आर की वैल्यू? ओनली वन। तो यहां पर जो वन है वो इसके अंदर पुट किया, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में, तो बी की वैल्यू कितनी है फोर, और क्यू तो क्यू और आर की वैल्यू वन। सिमिलर क्वेश्चन वो किया, देखो यहां पर क्या बोल रहा है वो, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ इसने क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर बोला, ना तो इसने इवन बोला ना ही क्या बोला हमारे पास ऑड, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है 9q 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 की फॉर्म में होना चाहिए, तो देख के बता सकते हैं हम कि b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू देखो जो q के साथ में होगा, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9 और यहां पर भी 9, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 9, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से तो क्या होगी हमारे पास ग्रेटर देन, बट 9 से क्या होगी लेस, मतलब 0 से 8 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि वो क्यूब करना है किसका, पॉजिटिव इंटीजर का, तो ये क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर है, इसका क्यूब किया 0 आया, क्या यहां से यहां तक रीजन में आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है, तो एक वैल्यू तो कितनी होगी 0, फिर 1 किया, 1 का क्यूब भी कितना आ रहा है 1, तो एक वैल्यू आ रही क्या होगी 1, फिर देखो 2 का क्यूब किया तो 2 का क्यूब कितना आया 8, ये भी आ रहा है तो R की वैल्यू कितनी होगी 8, अब 3 का क्यूब किया तो कितना आ गया 27, जो इस रीजन में नहीं आ रहा, मतलब जो R की वैल्यू है वो 27 तो नहीं हो सकती, मतलब R की वैल्यू क्या होगी 0, 1 एंड 8, यहां पर R की वैल्यू पुट की, पहले 0 पुट की, फिर 1 पुट की और फिर 8, तो हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो। ओके देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स थर्ड नंबर क्वेश्चन में, सिमिलर क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर, देखो क्या बोल रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखो क्या बोल रहा है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होना चाहिए वो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इसकी फॉर्म में होना चाहिए, वेयर q इज ए पॉजिटिव इंटीजर। चलो मुझे बताओ ये जो यूक्लिडियन डिवीजन लीमा है वो क्या बोलती है, सर जो लीमा है वो बोलती है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मुझे बताओ b की वैल्यू क्या है इसमें, सर हमें दिख रहा है जो क्वेश्चन के साथ में होता है ना q के साथ में वो आती है b, तो क्या लिखा हमने हेयर b इज इक्वल्स टू 6, b की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 6, ओके सर b की वैल्यू 6 आ गई, तो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट b से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए ना, r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन b, देन r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन b की वैल्यू क्या है 6 है ना 6, तो r में भी क्या हो सकता है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 एंड 5, 6 से लेस होगी ना 5 हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो इसमें से पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा है, तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, सर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है सबसे पहला तो क्या आएगा 1, ये पॉजिटिव भी और ऑड भी है। ठीक है, फिर जो आएगी आर की वैल्यू क्या आएगी सर 2, तो इवन हो गया, फिर आएगी 3, ठीक है, फिर आर की वैल्यू क्या आएगी सर 4, तो इवन हो गया, 5 क्या आ गया ऑड, क्या इसका कुछ स्क्वायर वगैरह करना है क्या, नहीं सर स्क्वायर तो कुछ नहीं करना, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये देखो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो पहले क्या लिखेंगे व्हेन आर इज इक्वल्स टू 1, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 6 है ना 6q प्लस 1, तो फिर r इज इक्वल्स टू 2, तो कितना आएगा a इज इक्वल्स सॉरी 2 नहीं आएगा 3, व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6q प्लस 3, व्हेन r इज इक्वल्स टू 5 a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। इतनी बात समझ में आई, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। चलो इसके ऊपर एक आधा एग्जांपल और दिखाता हूं आपको, कर लो इसे नोट। ओके देखो इसी पे एग्जांपल और देख लो एक आधा, इसी क्वेश्चन के ऊपर एग्जांपल देखो, एग्जांपल नहीं किया था ना, एग्जांपल देख लो कोई भी, जैसे एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्जांपल नंबर 2 देख लो, एग्जांपल नंबर 3 देख लो, कोई भी एग्जांपल देख लो, चलो 2 ही देख लो। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देखो, इसका पेज नंबर 33,
शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर. क्या बोल रहा है वो? एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर. इस लाइन को तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है? शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q. इज ऑफ द फॉर्म, किसकी फॉर्म में होना चाहिए वो? 2q, ठीक है? आगे एक और क्वेश्चन बोल रहा है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. फिर क्या बोल रहा है? एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. दो क्वेश्चन दे दिया मैं एक में ही. जो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए? 2q+1 की फॉर्म में होना चाहिए. चलो, तो हमें पता है बाय लीमा क्या आएगा? a = bq + r. b की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर b की वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन 2. मतलब r में भी r की वैल्यू क्या हो सकती है? सर r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? पहले ये वाला कर रहा हूं. अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट इसने क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखो क्या बोल रहा है वो. एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इसमें बताओ पॉजिटिव इवन, ओनली आर की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हो जाएगा वो a = bq + r, मतलब a = 2q + 0, मतलब a = 2q. चलो दूसरा देखो, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर में 0 और 1 में से कौन सा आएगा? सर 1 आएगा. तो a = bq + r, a = 2q + 1. ये भी आ गया और ये भी आ गया, मतलब इवन के लिए ये होगा और ऑड के लिए ये होगा. इतनी बात समझ में आई? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आए कर लोगे. ओके, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो. हो गया? ओके, देखो अब देखो आप क्वेश्चन नंबर कौन सा इसके अंदर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है. लीमा का इसमें यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है और HCF फाइंड आउट करना है. चलो देखते हैं HCF किस किस का HCF फाइंड आउट करना है. 210 एंड 55, ठीक है? 210 एंड 55 का इसमें HCF फाइंड आउट करना है. मैंने आपको कहा था कि इसको जब HCF फाइंड आउट करो तो एक चीज ध्यान में रखो कि इनमें से ग्रेटर देन कौन सा है. सर 210 इज ग्रेटर देन 55, तो 210 को आप कैसे लिख सकते हो? देखो मैंने कहा यहां पर देखो सीधा डिवाइड करो ना आप. 210 को 55 से डिवाइड किया तो 55 बन जा 55, तो 55 थ्री जा देखो 55 थ्री जा देखो 35 जा 15, 5 1 कैरी और 165. अगर आप इसको 4 से करोगे ना, ये देखो 4 5 जा 20 4 5 जा 22, ग्रेटर देन हो गया. क्या हो गया? ग्रेटर देन. तो कहां तक जाएगा? 55 थ्री जा 165. माइनस कर दो, 10 माइनस 5 कितना आ गया? 5. यहां पर कितना हो गया? 0. तो कितना होगा? 10 माइनस 6 कितना आ गया? 4. तो इसको कैसे लिख सकते हो? 210 को 210 को लिख सकता हूं क्या मैं? 55 into 3, देखो 55 into 3 plus 45. इतनी बात समझ में आई? कल मैंने बताया था ना ये कि कैसे 210 क्या लिख सकते हैं हम. a = क्या लिख सकते हैं हम? bq + r लिख सकते हैं ना हम. ओके, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी टर्म हमको लेनी है. सर देखो 210 आ गया 55, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक तो 55, देखो अब हम क्या लेंगे? 45 तो हम लेंगे ही लेंगे क्योंकि ये तो अकेला बचा हुआ है. अब कंफ्यूजन क्या होता है कि सर हम 55 ले या 3 ले. ऊपर वाले स्टेप में आ जाओ, 55 और 3 दोनों को उठाओ और इसमें देखो कि 55 आ रहा है या 3 आ रहा है. सर 55 आ रहा है, तो 45 और क्या लेंगे हम? 55. इतनी बात समझ में आई? दोबारा देखो, जो प्लस के बाद है ना उसको तो लेना ही लेना है 45 को, ठीक है? कंफ्यूजन इन दोनों में आता है कि सर 55 को ले या 3 को ले. इन दोनों को पिक करो और इसमें देखो कि 55 और 3 में से कौन सी टर्म आ रही है इन दोनों में. सर 55 आ रही है, तो 55 को पिक कर लिया, ठीक है? उसके बाद देखो, मैं बोल सकता हूं कि 55 इज ग्रेटर देन 45, तो यहां पर भी मैंने डिवाइड करके दिखा देता हूं क्या आ जाएगा. 45 into 1 plus 10, देखो डिवाइड करके देख लो, ये लो डिवाइड कर लो. अब 55 में 45 का डिवाइड किया, 45 बन जा 45, कितना आ गया? 10. तो ये आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, सर 10 तो हमें लेना ही लेना है क्योंकि ये तो प्लस के बाद आ रहा है, 10 तो हमने लिया. अब 45 और 1 में से क्या लेंगे? ऊपर वाले स्टेप में आ जाओ, इसमें 45 और 1 दोनों को उठा लो और यहां पर देखो 45 और 1 में से क्या आ रहा है? सर 45 आ रहा है,
तो क्या लेंगे 45. तो अगेन देखो 45 इज ग्रेटर देन 10. तो देखो 45 को क्या लिखूंगा मैं, 10 फोर जा 40 प्लस 5. अब डिवाइड करके चेक कर लो, यही आएगा 45 को 10 से डिवाइड किया, 10 फोर जा 40 और कितना आ गया 5. तो देखो 10 इंटू 4 किया, 10 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर लिखा 5. इतनी बात समझ में आई. अब अगेन जो स्टेप आएगा उसमें वो 5 तो लेना ही लेना है हमें, एंड 10 और 4 में से क्या लें, 10 और 4 में से क्या पिक करें. 10 और 4 दोनों को पिक कर लो एक बार, और ऊपर वाले स्टेप में आगे देखो 10 और 4 में से क्या आ रहा है, सर इसमें तो 10 आ रहा है, तो क्या लेंगे 10. अब मैं लिख सकता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या लिख सकता हूँ क्या, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0. ठीक है, अब देखो 0 तो लेना ही लेना है यहाँ पे. ठीक है, अब 5 और 2 में से क्या हमारे पास आएगा, 5 और 2 दोनों को पिक करो और ऊपर वाले स्टेप में देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एच सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5. एच सी एफ कितना हो जाएगा हमारे पास 5. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो. ओके, देखो देखो बाकी जो क्वेश्चन है इसके फोर्थ के जितने भी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेम क्वेश्चन होंगे, करके लाओगे. क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप. क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख, क्या बोल रहा है वो, इफ HCF आपको बोल रहा है, HCF ऑफ नंबर, कौन कौन से नंबर है आपके पास, 48 and 1032. उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं हम 1032x माइनस 408 इंटू 5. तो देखो कुछ नहीं करना आपको क्वेश्चन को, ये क्या बोल रहा है, इसके HCF को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसका HCF फाइंड आउट करो और इसके इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा. चलो पहले इसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं. 1032 इज ग्रेटर देन 48, तो सबसे पहले वही डिवाइड करो, किसको डिवाइड करेंगे, 1032 में 48 का डिवाइड करेंगे. तो देखो 48 वन जा 48, 48 टू जा जाएगा 28 जा 16, 6 वन कैरी, 4 टू जा 8 और 1 9, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 9 माइनस 9 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 9 माइनस 9 कितना आ गया 0. अब देखो 2 कैरी आ गया, यहाँ से कितना आ गया 2, कितना आ गया कैरी आ गया, तो क्या लिखेंगे 48 वन जा 48, 12 माइनस 8 कितना आ गया 4, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2. तो क्या लिख सकता हूँ क्या, 1032 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ मैं, 48 इंटू 21 प्लस में क्या आ जाएगा 24. इतनी बात समझ में आई. ओके सर, अब देखो 24 और 28 ये दोनों तो वैसे के वैसे, देखो 24 तो आएगा ना, तो 24 तो हमने ले लिया और इन दोनों में से ऊपर क्या आ रहा है 48 आ रहा है, क्या आ रहा है 48, तो 48 को मैंने क्या कर लिया, पिक कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पर देखो 48 को सकता हूँ क्या, 48 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 24 टू जा 48, 24 टू जा 48. ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 तो पिक करना ही पड़ना है, इन दोनों में से कौन सा पिक करूँगा, जो ऊपर आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है 24 आ रहा है, तो हमारा जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24. HCF कितना आ जाएगा 24. तो एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखो जब HCF 24 आ गया तो क्या बोल सकता हूँ क्या मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका जो HCF है वो इसकी फॉर्म में ले सकते हैं, तो जो 24 है वो किसके इक्वल होगा, 1032x माइनस 408 इंटू 5, इसी के तो इक्वल होगा. क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं ना वो कि इनका जो HCF है वो इसकी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना. तो HCF हमारा कितना आया 24 आया, 24 को हमने क्या कर दिया, इसके इक्वेट कर दिया. तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, 24 इज इक्वल्स टू 1032x, 58 जा 40, 54 जा 20. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का इसको इधर ले आओ, 24 प्लस 2040 इज इक्वल टू 1032x, देखो कितना आ गया 4 2 and 4 6 0 2 इज इक्वल टू 1032 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2064 अपॉन में 1032. डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड जा रहा है अपने पास 2 से, डिवाइड जाएगा कैसे जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. यही तो फाइंड आउट करना था,
बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है आपके पास, आप आराम से इसको कर सकते हो। देखो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, HCF फाइंड आउट किया। HCF आप कोई भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है इसी मेथड से फाइंड आउट करो, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास, कर ही रहे हैं इसी मेथड से, तो मैंने इसी मेथड से फाइंड आउट कर दिया 1032 और 48 का HCF फाइंड आउट किया। क्या आया 24 आया, 24 मैंने क्या कर दिया इसके इक्वेट कर दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि इनका जो HCF है वो इसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो 24 के इक्वेट इक्वल किया, यहां से इसको इधर ले आया और एस की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं इसके अंदर। देखो 2.1 के अंदर आपके पास कितने हैं, 5 क्वेश्चन है। घर पे आप क्वेश्चन ट्राई करोगे जो मैंने बताए थे आपको, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।